तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो गाइस, आज से शुरू होने वाला है इस साल का हमारा पहला कॉलेज फेस्ट प्लिंथ 24। तो प्लिंथ एक टेक्निकल फेस्ट है जिसमें रोबोटिक क्लब्स, कोडिंग क्लब्स, डिबेट क्लब्स हर जगह इवेंट करवाते रहते हैं। तो ये 3 दिन तक चलने वाला है। तो इसी के साथ आर टेक्निकल फेस्ट बिगिंस। चलते हैं, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, पहला फेस्ट अपना एक्साइटेड बहुत है। देखना पड़ेगा क्या। वैसे भी कुछ ज्यादा तैयार नहीं करा इन्होंने अभी, कर ही रहे हैं जिसमें क्या था। अभी 3 दिन है ना, तो और कुछ होने वाला है। बाकी उसे पूछो कैसे लग रहा है। यहाँ पे टोयोटा वाले अपनी कार्स भी ला रखे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लग रखी है 3-4 कार, उसके अलावा बाइक्स भी लगा रखी है। तो आफ्टर व्यूइंग कार्स एंड बाइक्स, मैं टेक एक्सपो पे चले गया। ये एक्चुअली क्या कहते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में मूव करता है विदाउट टर्निंग। एक एक टेबल की तरह इसमें रख सकते हो। इसका मैं एक बार मूवमेंट भी एक बार दिखा देता हूँ। yes, ये रोबोट, ये है ह्यूमनॉइड बॉट। ये क्या करता है, क्या कहते हैं, ये इसकी एक साइकिल होती है। ये पुशअप्स कर लेगा, वॉक कर लेगा, वो सब करता है। इसकी अभी इसका जो पूरा डेमोंस्ट्रेशन पे वो थोड़ा वर्क चल रहा है, बिकॉज इसका थोड़ा सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा इशू चल रहा है। yes, उसमें हम लगे हुए हैं। एक बार ये हो जाएगा तो फिर हम दिखाएंगे इसको। अभी ऐसे ये करता है पुशअप्स, हुर्रे वगैरह। हमने इंट्रो वीडियो में भी इसका हुर्रे कार्ड लगाया था। yes, तो ये करता है। हाँ, तो ये करता है। वैसे ये बॉट है, ये मार्शियन रोवर है। ये रोकर बोगी मैकेनिज्म पे काम करेगा। अगर इसके कहीं मार्स पे से अनइवन लैंड है तो इसके से ये ऊपर भी हो सकते हैं व्हील्स, फिर इसका मूवमेंट हो जाएगा। इससे मतलब डिसबैलेंस नहीं होगा। इसका कैमरा मूवमेंट हो जाता है और इसके भी आगे पीछे हो जाता है। इसको चला के दिखा देता हूं। इसका कैमरा मूवमेंट है और आगे करना है तो इसका मूवमेंट हो जाता है। जेसीबी है। हाँ, ये जेसीबी है। ये न्यूमेटोनिक्स पे काम करती है। इसमें एयर कंप्रेशन से इसका मूवमेंट हो जाता है। अभी इसका वर्किंग नहीं है, हो जाएगा कुछ वर्किंग। और ये पूरा टैंक ही चेसी है इसमें नीचे। ये भी उड़ा सकते हैं तो? अभी इसका कंट्रोल, अभी इसे उड़ाएंगे नहीं। मेन एक जैसे ये है, अभी ये वर्किंग प्रोसेस में है। तो ये बाइकॉप्टर प्रोजेक्ट है। तो ये बेसिकली ये अपने आप को अभी एडजस्ट करता है स्टेबलाइज करने के लिए। तो अभी हम लोग इसे बैलेंस करा पाते हैं। अगर हम लोग एक उंगली पर रखेंगे कुछ देर तक बैलेंस रहेगा अच्छे से। पर अभी पूरा फ्लाइट ये वाला पर्टिकुलर नहीं लेता है। वो तो फ्लाइट लेते हैं पूरा, बट ये पूरा फ्लाइट अभी नहीं लेता है। उसके कंटेनर बॉक्स भी लगवाया हुआ है। इसमें हम मोटर डिज़ाइन की है, जैसे हवा में फ्लाइट में रखा हुआ है। उसको ओपन करते ही बॉक्स खुल जाएगा। और एनी सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर लाइक फ्लावर्स और एनी लाइट वेट ऑब्जेक्ट, 1 kg तक ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग कर रहे हैं। उतना करते हैं कि वो डिपेंड करता है मोटर के टॉर्क पे भी और सब चीज़ें। ठीक है, ये सेल्फ बैलेंसिंग बॉट है। सो ये बेसिकली ये जो लेगो का सिस्टम आता है, तो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं तो वो मोटर के फीडबैक लेते हैं। तो अगर ये मोटर एनकोडर्स यूज़ करता है तो उसका जो फीडबैक मान लीजिए पीछे जाता है, तो उसको हम लोग तुरंत आगे शिफ्ट कराते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये सेल्फ बैलेंस करता है। फिलहाल तो अभी सेल्फ स्टैंड पर छोड़े हैं, थोड़ा एरिया और चाहिए लगा इसके लिए। तो टेक एक्सपो के बाद मैं रिफ्रेशमेंट लेने स्टॉल्स पे चले गया और उसके बाद मैं वापस से सीपी गया, जहाँ पे मैंने रोबो सोकर देखा एंड मोनोपोली खेला। गाइस,
बैक है आज रोबो सोकर का। तो अक्षर भाई पार्टिसिपेट कर रहे हो तू? मैं इवेंट मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा ये वाले नहीं, वो मोनोपोली के दूर से लिख रही हो। अच्छा चले वहाँ पे, चलो फिर उधर आके चलते। ये हमारा मित्तल कॉलेज का मोनोपोली। अच्छा एक तरह से बिजनेस टाइप हो गया, पूरा मित्तल कॉलेज से बेस्ट है हमारा। ठीक है, आपको जाना है, आप यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड जाए, गर्ल्स हॉस्टल जाना है, वहाँ भी जा सकते हैं। अच्छा पैसे देने पड़ेंगे 220। अच्छा इसमें सिर्फ जाने के पैसे या फिर खरीदने के? खरीदो राइ, रेंट करो, दूसरों को मोर्टेज दो, सब करो। मोनोपोली भाई बिजनेस होनी चाहिए, बट हमारा सेंट्रल प्लाजा सबसे महंगा है, 400 का। ओहो, अच्छा फिर जेल क्या होगा इसमें? जेल लेक्चर हॉल। अच्छा ऑब्वियसली लेक्चर थिएटर। लेक्चर थिएटर तो कितने लोग खेलेंगे इसको? हमारी बिना मर्जी के 3 घंटे बैठने को दिया जाता है। अच्छा, और ये मेस, ए मेस भी सबसे महंगी चीज? सबसे महंगी चीज सेंटर प्लाजा। सेंटर प्लाजा, सेंटर प्लाजा। उसके अलावा जैसे वो होता है ना एक चेस्ट होता है कि चांस, चांस में क्या मिलता है इसमें? चांस में अलग अलग चीजें लाइक पे, हॉस्टल फी और गो टू बी एस टू फी, बाकी प्लेयर से 50-50 तो पे, इलेक्टिव फी, यू गॉट डिमेरिट पॉइंट, सेल वन ऑफ योर प्रॉपर्टीज। उसके अलावा जैसे जब एक राउंड काट लेते हैं तब 200 रुपये हमको मिलते हैं बैंक की तरफ से, इसमें क्या? इसमें भी 200 ही मिलते हैं। अच्छा तो मतलब कॉलेज को, कॉलेज पैसा दे रहा हूँ मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए। हाँ स्कॉलरशिप मान लो, हाँ 200 रुपये की स्कॉलरशिप, सर्वाइवल फीस। थोड़ी देर में कितने बजे स्टार्ट करोगे? तो बस शुरू ही है। चला जा खेलने, खेलने ठीक है, खेलते हैं। सवारी चलेगी, जाएंगे 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 दो पे। क्या जो ऊपर है वो 250 पे करना पड़ेगा। अरे जो टॉप पे वो लेट इज माय वी टू। अच्छा हेलो, क्या डलवा तू ऐसे यार? आप पैसे में पैसे ले भाई, इसको तो फीस ही आ रही है भाई, कॉलेज यही करता है, हम नहीं बैठे। हां हां बॉस, मेडिकल में है कॉलेज, कोई नहीं बचा है, लॉन्ड्री बची है, तो नहीं ले पाएंगे चार लोग बचा है, मेडिकल यूनिट बची है, क्या लास्ट राउंड नहीं है? वॉलीबॉल कोर्ट बचा है, बॉयज हॉस्टल टू बचा है, सेवन। जब तक कोई बैंकरप्ट ना हो तब तक खेल सकते हैं। हां ये सही है, चलो मोनोपोली खेलनी तूने अभी तक? अरे नहीं यार कनिष्क भाई, जा ही रहा हूँ अभी, देख रहे हैं बस। चल उसके अलावा यहाँ पे रूम साइड भी बड़ी थी। हाँ वो तो देखी यार, देखी है? हाँ हाँ वो तो मज़े आ रहे थे, दिन में उधर हो रहा था, हो रहा था ना रोबोट ट्रांसफॉर्मर्स, वो देखा था। हाँ वो देखा भाई, मज़े आ रहे थे। होंगे ना मेन तो, क्या रात को होगा ना मेन तो? हाँ रात में भी भाई लाइटें वाइटें चमकेगी, मज़े आएंगे फिर। चल मैं तो अभी जा रहा था, मैं तो इतनी देर से यहीं पे हूँ। चेंज माई माइंड चल रहा है, वेयर वी पीपल सिट ऑन अ टेबल, डिलीवर सम ऑफ आवर मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल और इवन डम ओपिनियंस, एंड वी हैव पीपल डिफेंड देम। जैसे यहाँ का ओपिनियन है एनिमे शुड बी बैंड इन इंडिया, और उधर थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सा लगा है, वेयर रेडिकल हिंदुत्व इज एज बैड एज रेडिकल इस्लामिज्म, थिंग्स लाइक दैट। दिस इज जस्ट टू राइल पीपल अप, गेट अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड, और मतलब यार टेक अ लुक। बाकी तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म क्या आ रहा है? वो डिफरेंट मार्केट की पॉलिसी पे पॉइंट कहना चाहता हूँ कि जैसे मतलब अच्छी अच्छी पॉलिसीज थी, ठीक है, आज भी ह्यूमन राइट्स हैं, प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है, ठीक है ना। उस टाइम पर भगत सिंह ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है ना, उनको फांसी दे दी, प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट होता है ये, कोई नाराज कर रही है, स्मोक बॉम्ब था, लाइटनिंग हो चुकी है और अब
रात के समय अपना पूरा कैंपस बहुत तगड़ा लगेगा। अभी हमने यहाँ से वैफल ऑर्डर करा है, साथी भाई तो पूरे दिन से फीनिक्स में काम कर रहे हैं, बिजी पर्सन। हाँ कल देखना तुम मोटर बोट का पूरा सजावट होगी। हमारी यश भाई है भाई, कैसा लग रहा है फेस्ट अपना? बढ़िया लग रहा है, सजा हुआ है पूरा कॉलेज। अभी यहाँ पे ये क्या चल रहा है? रिफ्रेशमेंट, वो एक कुछ हो रहा था प्रोग्राम उसका। चलो जा सकते हैं। हाँ तो भाई चलो, वही वही खा के आ रहा हूँ रिफ्रेशमेंट में लेके। हाँ तो तुम 9 बजे आते ना वहाँ पे सीपी में। भाई बहुत सही सजा रखा है यार अपना कॉलेज। तो गाइस यहाँ पे भी ड्रोन रेस होनी ही वाली है। ओए ज़ूम पर चल रही है। चल रही है? हाँ। ओ भाई फिर क्या होगा इसमें? देखो बहुत सारे ड्रोन एक साथ उड़ेंगे या फिर टाइम काउंट होगा सबका? टाइम काउंट होगा। अच्छा प्रसून भाई तैयारी है पूरी? आप तो पूरी तैयारी है ब्रो, पूरी तैयारी होने वाला ही है। ड्रोन रेस चालू होने वाली है, टाइम बेस्ड इवेंट है, बीच में हर्डल्स है, देखते हैं कौन कैसा परफॉर्म करता है। कंप्लीट कर लिया, अभी मैं वापस रूम पे जा रहा हूँ क्योंकि 9 बजे होने वाला है कैफी शो का इवेंट। तो उससे पहले मैं अपना फ़ोन चार्ज करने जा रहा हूँ क्योंकि फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है। Yeah.
जो तुम ना हो कैसे लग रहा है पहला फेस्ट? बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अभी तो दो दिन और बाकी है, फाड़ के रख देंगे। अभी रैपिंग चल रही है पीछे बैकग्राउंड में। भाई ने बहुत अच्छा वॉर्म किया। हां गाने तो भाई आज बहुत सही गा रहे हैं, बहुत अच्छे। ठंड भी बढ़ती जा रही है। हां ठंड बढ़ रही है, कितने बजे तक चलेगा? मैं करूंगा भाई। हां अरे डेथ सॉक का चैंपियन या हां हमारे यहाँ का फेस्ट बहुत ही बढ़िया हुआ है। अभी हमारे यहाँ का फेस्ट 3 दिन चलता है, आज का हो गया, अगले 2 दिन और रह गए, तो बहुत बढ़िया। आज तो मतलब ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, कल हमारे यहाँ परफॉर्मेंस भी होगी, जैसे आर्टिस्ट आएगा और बहुत मजे आएंगे भाई लोग। नहीं क्या कर रहा था फिर? अरे वो तो कॉम्पिटिशन कर रहा था, बाहर से बच्चे आ रहे थे, उनको बता रहा था यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। पूरे दिन अपनी घिस रहा था, बिल्कुल कोडिंग नहीं कर रहा था, घिस रहा था। हाँ घिस रहा था भाई, भाई कॉलेज लाइफ है भाई, कॉलेज लाइफ में इतना तो करेंगे ही, ये लोग करना पड़ेगा। रात के 10 से सुबह के 10 तक घिसेगा। 20 मिनट का हो गया, तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप बताओ कि 20 मिनट के और व्लॉग बनाऊं जिसमें ऐसे ही पूरा डिटेल कवर करूं। अगर आप चाहते हो ऐसे ही करते रहो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, अगले 2 दिन का भी कंटेंट आता रहेगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।